हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। आज हम लेके आए हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं भाई। जितने लोग भी जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है सभी लोग आ जाओ जल्दी से, क्लास शुरू हो गई आपकी। और जो लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है वहाँ तुम पहुँचा दो। ठीक है भाई, हर जगह हर किसी को शेयर कर दो, मेरे कहने का मतलब यही है। और क्लास को लाइक कर देना भाई, पहले ही लाइक कर दो, पढ़ना जब शुरू करो तभी लाइक कर दो, ताकि बीच में तुम्हें लाइक करने को ना कहा जाए। ठीक है भाई, तो आप सभी का एक बार स्वागत मैं करता हूँ स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह लेके आया हूँ आपके लिए आज मैथ्स के परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है, उसमें एक टाइप है हमारा प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। इससे पहले हमने पूरे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, पूरा समझा इसको ध्यान से भाई। ठीक है, अब परसेंटेज का हमने पूरा बेसिक समझ रखा है, परसेंटेज को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, परसेंटेज क्या है, कैसे चलता है, फ्रैक्शन चेंज करना हम सीख चुके हैं, परसेंटेज के बेसिक नॉलेज हम ले चुके हैं। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। ठीक है भाई, तो जितने तरह के टाइप बनते हैं वो हर तरह के टाइप का मैं प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं इस क्लास में। आपको जैसे आज मैं लेके आया हूं मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, भाई बहुत ही शानदार सा टॉपिक होने वाला है आपके लिए भी और हर किसी के लिए। जो लोग देखो पहले से पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं भाई, आप पहले से तैयारी करके बैठे हो, बट फिर भी क्लास को देखो ताकि आपका रिविजन हो सके और आप उसमें और स्ट्रांग हो सके, ताकि भाई आपको समझ में आए कि चीजें रिवीजन करने पे कितना आनंद होता है। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें, उनको तो सीखना ही सीखना है। तो प्लीज जिनको आता है वो, जो लोग पढ़ चुके हैं वो पहले बार पढ़ने वाले को परेशान न किया करें। कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं अक्सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप बिना मतलब के चैट करते रहे तो बिना मतलब के फालतू कमेंट करते रहे, तो भाई जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो। ठीक है भाई, और तुम्हें आता है तुम होशियार चंद हो, सबको पता है ना भाई, पर पढ़ लो, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, आप सारे मेरे लिए बहुत ही प्यारे छात्र हो भाई। ठीक है, चलो तो क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन है वो आ चुका है। आप उसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, और उसमें आपको बहुत तरह की चीज़ें, कंटेंट ब्लॉग और हर सब्जेक्ट की क्लास, यूट्यूब क्लास जो यहाँ देखते हैं वहाँ भी मिलेगी। उसके बाद हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो उस एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे और करंट अफेयर के टेस्ट, जैसे आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें, आपकी पूरी बातों का वहाँ पे हित रखा जाता है भाई। समझ में आ रहा है? तो मैं होप करता हूँ आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, वो स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से स्टडी 91 लिखोगे डाउनलोड हो जाएगा, और आप लोग डाउनलोड भी कर चुके होंगे। ठीक है भाई, तो क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, चलो अब जैसे थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को भी तो समझना पड़ेगा कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर है क्या। तो थोड़ा सा पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं भाई, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर सवालों की तरफ चलेंगे। पहले तो समझो ये प्राइस की मैं बात कर रहा हूं भाई, किसकी मैं बात कर रहा हूं, प्राइस की बात कर रहा हूं, है ना भाई, प्राइस की मैं बात कर रहा हूं और कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। आप सभी के लिए प्राइस की बात है, कंजम्पशन की बात है और एक्सपेंडिचर की बात है। ये तीन तरह की बात है एक्सपेंडिचर, है ना भाई, ये तीन तरह के टॉपिक इसमें लेके चलूंगा मैं, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। जरा समझो ये तीनों का मतलब क्या होता है। प्राइस का मतलब आप समझ चुके हैं कि प्राइस का मतलब तो सर मूल्य होता है ना भाई, और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खपत, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है भाई खर्च। क्या होता है, खर्च। तो ये तीन तरह की बात है, मूल्य, खपत और खर्च। अब इन तीनों तरह की बात को हम समझते हैं कि कैसे क्या है। जैसे सपोज करो मैं तुमको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, क्या है एग्जांपल सुनो। जैसे मान लो कि चीनी है, आपके घर में आती होगी चीनी, हर किसी के घर में आती है, कोई नई बात तो है नहीं, हर किसी के घर में चीनी आती है भाई। तो सपोज करो कि ये रही आपकी चीनी, चीनी यानी कि शुगर, है ना भाई, शुगर है। अब शुगर में मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, तो आप कहोगे कि सर 40 रुपया किलो है चीनी, 40 रुपया केजी है। इसका मतलब ये 40 रुपया क्या हुआ, मैं आपसे पूछूं कि ये 40 रुपया क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो 40 रुपया ये इसका मूल्य है, यानी प्राइस है। क्या है भाई, प्राइस। तो ये इसका प्राइस है भाई, जो कि 40 रुपया है। ठीक है,
अब आती है बारी कि सर ये कंजम्पशन क्या होता है, खपत क्या होती है। खपत मतलब आपके परिवार में जो चीनी है वो कितना केजी लगती है मंथली में या पर डे की, जिस तरह से भी जहां भी देख लो आप। जैसे आप आपके परिवार में सपोज करो 5 लोग हैं, अगर डेली चाय पीते हैं और हलवा खाते हैं और मिठाइयां खाते हैं, अच्छी अच्छी खीर पकौड़ सब चीज खाते हैं भाई, तो महीने का कुछ खर्च आता होगा ना चीनी का, मंथली खर्च। तो जो मंथली तुम कंज्यूम करते हो, मंथली जो तुम खपत करते हो चीनी का, उसी को कहते हैं कंजम्पशन। यानी भाई तुमने सपोज करो 40 रुपया किलो के हिसाब से चीनी, 5 केजी चीनी खा गए, तो ये जो 5 केजी है यही तुम्हारी कंजम्पशन है। ठीक है भाई, 5 केजी है यही तुम्हारी क्या है, कंजम्पशन है। अब मैं आपसे बात करूं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। भाई देखो, चीनी 40 रुपए किलो थी और तुम 5 किलो मंथली में खाते हो, यानी कि ओवरऑल सब मिला के अगर देखा जाए तो आपने कितना चीनी, कितने रुपए की चीनी के पीछे खर्च किया। जैसे सपोज करो आप अर्निंग करते हो, कमाते हो, आप 40 रुपए किलो चीनी है, 5 किलो चीनी खाते हो, तो कितना रुपया चीनी के पीछे खर्च किया। तो आप कहोगे 1 किलो का दाम 40 रुपया, तो 5 किलो का दाम 200, यानी कि आपने 200 रुपया खर्च किया भाई। तो यही आपका प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, यानी कि आपने खर्च निकाल लिया, 200 रुपये तुम्हारा टोटल कुल मिला के खर्च हुआ है, तुमने खर्च निकाल लिया भाई। अब मैं आपसे बोलूं कि आपका खर्च कैसे आया, तो आपने कहा जो प्राइस है और कंजम्पशन है, यानी जो मूल्य है और खपत है, उसी का अगर गुणा कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। यानी बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां से तुम्हारा बनता है, क्या कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। ये आपका यहां से बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब मूल्य में खपत का गुणा कर देंगे तो खर्च बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, जब मूल्य में हम खपत का गुणा कर देंगे तो खर्च बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां पे। ठीक है, तो मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, या प्राइस गुणे कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ये आपने बकायदा एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि ये कैसे बन रहा है इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जरा समझो। सपोज करो कि प्राइस यहां पे देखो भाई, ये रही आपकी प्राइस, ये रही आपकी कंजम्पशन और ये रही आपका एक्सपेंडिचर, है ना। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये आपका मूल्य है ना भाई, और ये आपकी खपत है और ये आपकी खर्च है, यही तीनों चीजें हैं। अब मैं आपको इसमें क्या समझाने जा रहा हूं, जरा समझो ध्यान से भाई। देखो ध्यान से, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ये आपने सीखा कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है ना। अब सपोज करो कि चीनी का दाम पहले 40 रुपया था, कितना था भाई 40 रुपया आपकी प्राइस थी पहले। कंजम्पशन आप 5 किलो चीनी खाते थे, कितना खाते थे 5 किलो चीनी खाते थे, तो तुम्हारा मंथली खर्च कितना आ जाता था, तो मंथली खर्च आपका आ जाता था 200 रुपया। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है ना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं तो समझ में आ रही। अब जैसे मान लो कि चीनी का दाम बढ़ गया, सपोज करो क्या हो गया, चीनी का दाम बढ़ गया, यानी कि अब सपोज करो कि चीनी का दाम हो गया 50 रुपया प्रति केजी, है ना भाई। अब चीनी का दाम बढ़ गया 50 रुपया प्रति केजी हो गया। अब आप, आपकी मम्मी या आपके घर वालों ने आपको पैसा दिया कि जाओ आप मार्केट से चीनी लेके आओ, आप हर बार मार्केट कितना लेके जाते थे 200 रुपया लेके जाते थे और आप 5 किलो चीनी लेके आते थे, यानी कि घर से आपको अभी भी कितना रुपया मिला है, तो घर से अभी भी आपको मिला है 200 रुपया। यानी आपका खर्च उतना ही है, घर वालों को थोड़ी पता है कि चीनी का दाम बढ़ गया है, तो दुकान वाला जानेगा ना कि चीनी का दाम बढ़ गया, यानी 200 रुपया अभी भी आपका खर्च है, तो 200 रुपया आपका खर्च हो गया। अब मैं बात करूं कि क्या अभी भी आपको चीनी 5 किलो ही मिल पाएगी मेरे भाई, आप बताओ क्या अभी भी चीनी आपको 5 किलो मिल पाएगी। आप कहोगे नहीं सर, अब चीनी हमें 5 किलो नहीं मिल पाएगी, अभी क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान क्यों होते हो, हर तरह की चीज सिखाऊंगा, बोला तो है। चलो अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चीनी अब आपकी 50 रुपया किलो हो गई, यानी दाम बढ़ गया है 10 रुपया दाम बढ़ गया है। आप गए आपने दुकानदार को 200 रुपया दिया, बोला कि 5 किलो चीनी, तो क्या वो 5 किलो चीनी आपको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, क्यों, क्योंकि दाम तो बढ़ चुका है। यानी अब आपको वो कितना देगा, तो अब आपको वो 50 में अब आपको वो सिर्फ 4 केजी देगा। कैसे भाई, 50 रुपया के हिसाब से 200 रुपया में 4 किलो चीनी मिलेगी। यानी यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर आपका, यहां से हमें क्या समझ में आया भाई कि देखो
प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर तो होता है, यानी कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च तो होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि आपका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर आपका न बढ़े, यानी एक्सपेंडिचर अगर आपका समान रहे, खर्च में कोई बदलाव ना हो, एक्सपेंडिचर अगर आपका समान रहे, तो जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? मूल्य जो होता है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? खपत के। मूल्य जो होता है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपने यहां से सीखा। भाई देखो, कब ऐसा होगा? जब आपका एक्सपेंडिचर समान होगा तब, जब आपका खर्च उतना ही रहेगा तब। यानी कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये तो हमें समझ में आ गया है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है, ये तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन जो आपका खर्च अगर समान कर दिया जाए, यानी खर्च आपका न बढ़े, तो जो प्राइस होता है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है भाई, तो जो आपका खपत होगा वो घट जाएगा। कॉमन सी बात है। अभी तो तुमने देखा कि अगर आपकी प्राइस 40 से 50 रुपया हो जाएगी, तो तुम्हें 5 किलो के बदले 4 ही किलो चीनी। मतलब कि अगर मान लो चीनी का दाम कल से बढ़ने लगे, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह ना बढ़े, तुम्हारी सैलरी ना बढ़े, तो क्या करोगे भाई? जो आपकी चीनी की खपत है ना, उसको कम करना पड़ेगा आपको, यानी आपको चीनी कम यूज करना पड़ेगा, यानी आपको कम चीनी वाली चाय पीनी पड़ेगी। बात समझ में आई? कम चीनी वाली चाय नहीं पीते, चाय की क्वांटिटी कम कर देना भाई। कम चीनी वाली चाय क्यों पियोगे? बात समझ में ना? तो कम चीनी वाली चाय पीने की जरूरत नहीं। अगर दाम चीनी का बढ़ जाता है, तो जो पूरा भर के ग्लास में पीते हो या भर के कप में पीते हो ना, थोड़ा आधा कप कर लेना तो काम चल जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर आपका कॉन्स्टेंट रखना है और कंजम्पशन को कम करना है, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो यही चीज आपको काम आएगी। क्या? जब इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है भाई, कि जब खर्च आपका समान रहे तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अगर मूल्य आपका बढ़ेगा तो खपत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यही बस दिमाग में आपको रखना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर का। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ भाई। किधर चलते हैं? सवालों की तरफ चलते हैं कि कैसे हमें सवाल करने हैं। चलो देखते हैं। अब आते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, हम समझ गए। अब पहले तो स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए आपको ये पेज आ गया है स्टार्टिंग में। फिर से बता दे रहा हूं, आप हमारा प्ले स्टोर से जाके स्टडी 91 नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट और सभी सब्जेक्ट के फ्री वीडियो क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है भाई, सब कुछ अवेलेबल है। जाके देखो, 3000 तक वीडियो आपको वहां पे मिलेगी और हर सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर A to Z हर चीज एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। देखो क्या लिखा है सवाल में, जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, लिखा है जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो परिवार उसकी खपत में 10% की कमी कर देता है, वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना परसेंट कम या अधिक है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये बात आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। ये बात आपको पता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। बस इसी पे ये सवाल लग जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, जो मैंने आपको एक जमाने में सिखाया था। याद कर लो वो दिन जो मैंने आपको सिखाया था भाई, परसेंटेज की पहली दूसरी क्लास तुम्हें याद होगी। तो 25% पहले दिया है, तो पहले तो 25% को फ्रैक्शन में बदल लो तो 1/4 आता है। फिर लिखा है 10% को बदल लो भाई, कितना आता है? 1/10 आता है। ये आपका प्राइस है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। बहुत ही प्यारा सा सवाल बनने वाला है। प्राइस में आपकी 25% की इंक्रीजमेंट हुई है और इसमें 10% की डिक्रीजमेंट हुई है। अब भाई देखो, आपने कहा एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। देखो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, ये तुम्हें पता है, ये अभी तो आपको सिखाया है, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, खर्च बराबर, जरा खर्च निकालो तो कितना आया?
पहले प्राइस कितना था 25%, मैंने बताया था जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। यानी पहले आपकी प्राइस कितनी थी, तो 4 रुपया। कितनी थी, 4 रुपया। पहले आपका कंजम्पशन कितना था, जो नीचे होता है वही पहले वाला माना जाता है, पहले आपका कंजम्पशन था 10 रुपया। यानी कि ये प्रारंभिक खर्च है ना भाई, ये कौन सा प्रारंभिक माने पहला वाला खर्च, इनिशियल वाला एक्सपेंडिचर है। अब अंतिम खर्च देखते हैं, है ना भाई, अंतिम खर्च में क्या हुआ है जरा समझो। अंतिम खर्च की बात करूं मैं आपसे, तो अंतिम खर्च में कहा है कि प्राइस आपका 25% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। अच्छा बताओ, 4 था इनिशियली, 1 यूनिट ऊपर जो दिखा रहा है वो इंक्रीजमेंट का दिखा रहा है, यानी 4 से अगर 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब कंजम्पशन में आते हैं, ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, तो ये मैं फिर से नहीं सिखाने वाला हूं कि 1/4 किधर से आया और ये कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है। भाई तुम्हें नहीं आ रहा है, जाके अपनी दोबारा से क्लास देखो, समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने सीख लिया उन्हें मजा भी आ रहा होगा, जिनको मजा आ रहा है वो कमेंट ठोकते रहो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। चलो ये देखो भाई, 10 है, 10 से ये डिक्रीजमेंट शो कर रहा है, यानी कमी शो कर रहा है। अब बताओ 10 में 1 कम करना है ना, क्योंकि ऊपर तो 1 ही यूनिट है, तो 1 कम करना है तो 9 हो जाएगा। अब यहां से देखो, मैंने कहा था जो कटता है उसको चाहो तो तुम काट सकते हो, तो 5 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, यानी ये कितना हो गया, 4 × 8 हो गया, और ये कितना हुआ, 9 हो गया। यानी पहले आपका मान 8 था और अब आपका मान 9 हो गया, यानी पहले आपका खर्च 8 रुपया रहा होगा, अब आपका खर्च 9 रुपया। बताओ भाई बढ़ा है कि घटा है, 8 से 9 गया तो बढ़ा है कि घटा है, तो आपको हो गया सर बढ़ गया, यानी कि वृद्धि परसेंट आपको बतानी है। क्या बतानी है भाई, वृद्धि परसेंट बतानी है। अब वृद्धि परसेंट निकालना है, 8 से 9 जाने में कितने का इंक्रीज हुआ, तो आपका हो गया सर 1 का इंक्रीज हुआ। फिर से वही सवाल, किससे, तो आप कहोगे जो ऊपर वाला जो पहले वाला मान है उसी से, यानी 8 से, तो 8 और 100 कर देंगे, और 1/8 को देखते ही तुम्हें याद आता है 12 होल नंबर 1/2%। याद करो परसेंटेज की पहली क्लास, यानी ये जो आपका खर्च है वो 12 से ही 1/2% का इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। सवाल में ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ना भाई, ये तुम्हारा आंसर है। 12 से ही 1/2% का मतलब 12.5%। फिर से सवाल को बता रहा हूं, क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में, ये मूल्य है भाई, मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी कर देता है, और तो उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना कमियां ज्यादा है। जरा देखो, प्राइस है आपका और ये एक्सपेंडिचर है आपका, क्या है भाई, प्राइस है और एक्सपेंडिचर है। अब समझो ध्यान से, प्राइस आपका 25% इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ मतलब 1/4 हो गया, और ये एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज हुआ मतलब 1/10 हो गया। अब 1/4 यानी पहले 4 था और ये 10 था, तो 4 × 10, बाद में 4 से 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, और ये 10 से 1 कम हो गया तो 9, ये कट गया 8 और 9, वृद्धि 12.5%। वाइल कैलकुलेटिंग बहुत ही आसान सा सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई देखो अगला सवाल में क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से जरा, एक चीनी की कीमत में 16 होल नंबर 2% की वृद्धि होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने परसेंट का बदलाव आया। फिर से वही सवाल भाई, देखो प्राइस यहां पे 16 होल नंबर 2/3% है, और आपका कंजम्पशन जो है 20% का डिक्रीजमेंट है, और ये इंक्रीजमेंट है। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे 16 होल नंबर 2/3% का मतलब 1/6 हो गया, 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब आते हैं यहां पे एक्सपेंडिचर नंबर 1, यानी कि पहले वाला एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 6, और बाद वाला ये कंजम्पशन कितना, 5 का। एक्सपेंडिचर नंबर 2 बताओ, 6 से ये एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 7। भाई 6 है, ये ओरिजिनल है, 1 का इंक्रीजमेंट होगा तो 7 हो जाएगा, और इनटू में 5 से 1 कम होगा ना, क्योंकि डिक्रीजमेंट है, 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। अब यानी कि 6 × 5 = 30 हो गया, और 7 × 4 = 28 हो गया। बताओ यहां से तुम्हारा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। आप कहोगे सर 30 से 28 गया है, यानी कि डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, तो आप कहोगे 2, और किससे, 30 से, और गुणे में 100, यानी कितना आ गया भाई, 1/15 गुड़े में 100। 1/15 को देखते ही कौन याद आता है, 6 होल नंबर 2/3% की कमी दिखाएगी ये खर्च। बहुत ही आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर सी वाला। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस भाई तुम्हें ये याद होना चाहिए,
क्या याद होना चाहिए, 16 होल नंबर 2/3% का मतलब 1/6 होता है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, परसेंटेज जब से पढ़ाना शुरू किया तब से मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि आप याद कर लो भाई फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं। 5 बार लिखो अपनी कॉपी पे, 6वीं बार मुझबानी लिखने लगोगे, गारंटी है। ना लिखना तो फिर से कमेंट करना कि हां सर मैं नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में लिख लोगे। बट एक बार मेहनत करने की तो देखो, एक बार ठान तो लो कि तुम्हें मेहनत करना है, कुछ करना है जिंदगी में। चलो बहुत ही आसान सा, प्राइस ये रहा, कंजम्पशन ये रहा, ये इंक्रीज है, पहले 6 था, ये पहले 6 था, ये पहले 5 था, तो 6×5 हो गया। बाद में 6 से 1 बढ़ा तो 7 हो गया, 5 से 1 कम हुआ तो 4 हो गया। अब ये वाइल कैलकुलेटिंग 30 से 28 गया, यानी कमी है, जितने कमी वो आपको बता दोगे। यहां से समझ में नहीं आया तो 15 से भाग कर लो, 2 से काट दिया 15 से काट दिया, 15 में 100 से भाग कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये भी सवाल है, देख लो जरा इसको भी। एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 25% कम कर दिया गया, वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना होगा? भाई देखो, एक वस्तु है, देखो पहले 20% बढ़ाया गया और बाद में 20% कम कर दिया गया। एकदम प्यारा सा सवाल, वन लाइन भी बता रहा हूं, परेशान मत हो। 20% का मतलब 1/5 होता है, ये बात तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। अब संख्या देखो, पहली वाली संख्या कितनी थी? 5 थी और 5 थी, यानी पहली संख्या आपकी 25 रही होगी। बाद वाली संख्या जरा देखो, इसी को 5 से 1 बढ़ाया गया तो 6 हो गया, और इसको 1 घटाया गया तो 4 हो गया, क्योंकि ये कमी है तो 5 से 1 घटेगा तो 4, यानी ये कितना आ गया 25 और ये कितना आ गया 24। अब तुम्हें ये नहीं बताना कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है, यहां से तुम्हें लगाना है रेशियो वाला मेथड। देखो क्या कहा है, एक वस्तु की कीमत पहले 75 रुपया थी, यानी कि ये जो पहला वाला मान है ना 25, ये 25 नहीं है, 75 रुपया थी, यानी 25 से कै गुना हुआ तो 3 गुना हुआ, यानी कि अगर 25 ना होकर के 75 है तो यानी 3 गुना है, तो यानी ये भी 24 ना होकर के 3 गुना, 24 तिहाई 72 रुपया, यानी बाद में वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 72 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हो कि वस्तु का मूल्य 72 रुपया, एकदम आसान सा सवाल। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ये तरीका लगा के, अब देखो यहां से तुम क्या करते हो, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करके तुम परसेंटेज वृद्धि या कमी निकाल लेते हो, वो तो समझ में आता है। लेकिन अब यहां पे ये तो निकालना नहीं कि परसेंटेज वृद्धि या कमी है, क्योंकि सवाल में तो ऐसा पूछा नहीं, यहां से रेशियो मेथड लग जाएगा एकदम। और एक तरीका और है करने का, अब ये 2020 दो बार कहां से है, सवाल में लिखा है, पहले 20% बढ़ाया गया ये वाला, बाद में 20% कम किया गया ये वाला, 20% का मान चेंज किया 1/5, यानी पहले संख्या आपकी 5 और 5, यानी यही तो इनिशियल होती है स्टार्टिंग वाली, तो 25 रही होगी, बाद में आपकी संख्या 5 से 1 बढ़ी तो 6 और 5 से 1 कम हुई तो 4, यानी 24 हो गई। एक तरीका दूसरा भी तुम लगा सकते हो, देखो देखो भाई ये वाला है ना, देखो क्या लगा सकते हो, 75 रुपया, एकदम परसेंटेज का बेसिक तरीका, 75 रुपया है, इसको पहले 20% बढ़ाओगे, 75 अपने आप में 100 होगा, 75 को 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, तो 120/100 हो गया, ठीक है भाई। और फिर उसको 20% कम करोगे, यानी कि 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, यही आपका तरीका। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया है ना भाई, ये सॉरी ये वाला 0, ठीक है भाई, ये 0 कट गया। अब 25 से काट दो, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 दुनी के 8, अब देखो 2 तिहाई 6, 12 6 72, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी तुम्हारा आंसर आ सकता है। ये परसेंट का बेसिक तरीका है, बेसिक जो मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में सिखाया, तीसरे क्लास में इस पे प्रैक्टिस भी कराया है, जाके क्लास देखो तब मजा आएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, पुराने मूल्य पे लाने के लिए इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्या बात करते हो। देखो मान लो रही होगी 100 रुपए की सामान, मान लो वस्तु का मूल्य जो रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा, आपने इसको 10% कम कर दिया। अब बताओ अगर आपने इसको 10% कम कर दिया तो बताओ वस्तु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये तो 90 की हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है कि पहले वस्तु 100 की थी लेकिन अब वस्तु 90 की हो गई है, आपसे कह रहा है पुराने मूल्य पे लाने के लिए मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, यानी अब वस्तु का दाम 90 रुपया है, आप चाहते हो इसको पुराने मूल्य यानी 100 पे लेके आ जाऊं, यानी 90 से 100 लेके जाना है, 90 से 100 लेके जाना है, तो बताओ वृद्धि करना पड़ेगा ना। हाँ,
कितने की वृद्धि करना पड़ेगा? तो 90 से 100 ले जाने के लिए 10 की वृद्धि करना पड़ेगा। कितने की? 10 की। लेकिन सवाल फिर उठता है कि किस से? तो आप कहोगे सर 90 से, यानी 90 नीचे आ जाएगा, गुड़े में 100, यानी 0 से 0 कट गया, और 1/9 को देखते तुम्हें याद आ जाता है 11 से 1/9% की इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा आंसर बनेगा 11 से 1/9%। होप करता हूं आप सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं रखा सवाल में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो सवाल उधर रह गए थे उसको भी लेके चल रहे हैं। अगला सवाल की तरफ देखो भाई, क्या लिखा है? एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, ग्राहक को खपत, फिर से प्राइस कंजम्पशन वाला सवाल, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े? यही ना कहा है आपसे? चलो देखते हैं, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, ग्राहक को खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े? चलो देख लेते हैं जरा कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। चलो देखो, आप सभी को पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यह बात आपको पता है, लेकिन क्या कहा है? खर्च ना बढ़े, यानी कि खर्च जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका समान रहे, ना बढ़े। तो अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया अगर ऐसी कंडीशन बढ़ती है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा सा रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है भाई। अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करें कि प्राइस का अनुपात एक्स अनुपात y है, तो कंजम्पशन का अनुपात क्या होगा? y अनुपात x होगा, क्योंकि ये रेशियो में मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस जब मैंने आपको पढ़ाया था और अभी भी समझा दे रहा हूं कि ऐसा ही होता है, 1/x और 1/y करोगे तो y और x बनेगा, यानी अनुपात उल्टा हो जाता है। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लगाने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। अब जरा देख लो, जरा इस सवाल को जरा देखो, क्या कहा है कि प्राइस आपका, सपोज करो कि प्राइस आपका पहले 100 रहा होगा, प्राइस आपका पहले 100 रहा होगा, अब बाद में प्राइस 60% बढ़ गया तो 160 हो गया, पहले 100 रहा होगा बाद में 60% बढ़ गया तो 160 हो गया। अब बताओ अगर खर्च समान है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो यहां से कंजम्पशन यानी कि खपत, प्राइस माने मूल्य यानी कि खपत, खपत का अनुपात क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यही तो बताया ना कि अगर प्राइस एक्स और वाई है तो कंजम्पशन का अनुपात वाई और एक्स हो जाएगा, यानी कि यहां से इसका अनुपात पलट जाएगा, जब कंजम्पशन का लिखेंगे तो अनुपात बदल जाएगा, यानी 100 इधर चला जाएगा 160 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 160 अनुपात में 100। अब मुझे जरा बता दो यहां से आप कि बताओ ये कम करना पड़ा है कि नहीं, 160 से 100 जाना है, यानी कितना कम करोगे? 60। कितना कम करोगे? 60 कम करोगे। अरे भाई किससे कम करोगे? सवाल तो फिर से वही उठता है ना कि किससे कम करोगे? तो आप कहोगे सर 160 से, क्योंकि ओरिजिनल तो वही है, तो 160 से कम करना है, अब गुड़े में 100 कर देना है, 0 से 0 कट गया, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 8 बार, 3/8 को देखते ही याद आता है 37 whole number 1/2% की कमी होगी, यानी ये आपका सवाल 37.5% में बन जाएगा। बात समझ में आई? फिर से देख लो भाई इस कॉन्सेप्ट को, इस पे ना जाने कितने सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं और बनते भी रहते हैं अक्सर। क्या है सवाल? एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो ग्राहक अपने खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े? क्या कह रहा है? एक वस्तु मतलब एक कोई आर्टिकल है जिसका जो प्राइस है वो 60% इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे उसके मैंने क्या बताया था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके उसके कंजम्पशन को डिक्रीज करना होगा, अगर आपकी तनख्वाह बढ़ी हो तो कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना, तो वही पूछा है कि अगर प्राइस 60% इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन को कितना कम करें ताकि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च उतना का उतना ही बना रहे। बात समझ में आ रही ना भाई? चलो, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, मैंने आपको बताया अगर खर्च समान हो जाए, खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च उतना का उतना ही रखना चाहते हैं आप, तो प्राइस और कंजम्पशन आप दूसरे का एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होगा यानी मूल्य आपका अगर बढ़ेगा तो खपत आपका कम होगा, यह चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। अब वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, प्राइस का अनुपात अगर एक्स अनुपात वाई है तो कंजम्पशन का अनुपात वाई अनुपात एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कब? जब खर्च समान होता है
तब, अगर खर्च समान नहीं है तो ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। चलो अब प्राइस का अनुपात, सपोज करो प्राइस पहले 100 रुपया रहा होगा, पहले मूल्य 100 रुपया रहा होगा, बाद में 60% बढ़ गया तो 160 हो गया। तो मैंने क्या बताया, अगर प्राइस एक्स और वाई है तो अनुपात कंजम्पशन का वाई और एक्स होगा, यानी इसको पलट देंगे, 100 से 60 गया है तो 160 गया तो 160 से 100 हो जाएगा। बस यहां से कितने का इंक्रीज है ये तो कैलकुलेशन आप लगा लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा है भाई, एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। फिर से वही बात, वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, मैंने अभी तो सिखाया 100% था, 20 कम हो गया, बताओ कितना हो गया 80%, 80 से फिर 100 जाना है, यानी कितना बढ़ाओगे, 20 की वृद्धि करोगे ना, कितने की वृद्धि करोगे, 20 की किस से, तो 80 से, और गुणे में कितना 100, यानी 1/4 का मतलब कितना हो गया 25% की आपको इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी। यह रहा आपका आंसर, यह दोबारा नहीं बताऊंगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। होप कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रही है बातें। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति केजी हो जाता है, वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कटौती हो, उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो भाई क्या कहा है, मूल्य में इस बार प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया है, मूल्य के बारे में एक बड़ी प्यारी सी बात कह दिया है कि मूल्य पहले 6 रुपया था और अब जो है 7.5 रुपया हो गया है। ठीक है, मूल्य पहले 6 रुपया था, 6 रुपया प्रति केजी था, अब आपका 7.5 रुपया प्रति केजी हो गया है। तो जरा पहले ये बताओ कि कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 6 से 7.5 जाने में कितना बढ़ा है। तो आप कहोगे सर 1.5 बढ़ा है वृद्धि, 1.5 किस से, 6 से, अगुड़े में 100, ये वृद्धि परसेंट निकल जाएगी, 1.5 को काट देंगे यानी कितना आ गया 1/4 का मतलब 25%। यानी जो सवाल में ये वाली लाइन लिखी है, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया 7.5 रुपया हो जाता है, इस मतलब इस वाली लाइन का हमारा जो मान आ रहा है वो आ रहा है कि वस्तु का मूल्य 25% बढ़ रहा है, ये आपने निकाल लिया, यानी कि मूल्य आपका 25% बढ़ रहा है। अब देखो प्राइस आपका पहले 100 रहा होगा तो बाद में आपका प्राइस 125 हो गया, क्योंकि वहां 125 दिख रहा है। तो बताओ कंजम्पशन, खर्च पूर्ववत रहे यानी खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च में कोई बदलाव ना हो, तो बताओ खर्च खपत का अनुपात पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, जल्दी बताइए सभी लोग, कमेंट करिए जल्दी से आप सभी लोग कि बताइए, अगर खर्च पूर्ववत रहे यानी खर्च समान रहे, खर्च में बदलाव ना हो, अगर आप प्राइस को, प्राइस का अनुपात 100 और 125 है तो खपत का अनुपात क्या होगा, खपत का अनुपात पलटेगा कि नहीं पलटेगा, उलट जाएगा कि नहीं उलटेगा, कि वैसा ही रहेगा, जल्दी बताओ भाई। तो आप कहोगे अगर ये 100 और 125 है तो इसका मतलब इसका अनुपात 125 और 100 रहेगा, यानी कि उलट जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था। क्यों? क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कब, जब खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे, खर्च में कोई बदलाव ना हो तब। अब जरा देखो ध्यान से, बताओ एक सॉरी यहां पे देखो, 125 से 100 गया है, 125 से 100 गया है, यानी अगर 125 से 100 गया है तो इसका मतलब कम हुआ है कितना, 25, किससे, 125 से, अगुड़े में 100 कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, इसने काट दिया 5 बार में, यानी कि आपको 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, यही इतना देर से सिखा रहा हूं, तो ये 20% की कमी हो जाएगी खपत में। बात समझ में आ रही है। देखो सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया था, क्या किया था कि वस्तु का मूल्य 6 रुपया 7.5 रुपया हो जाए, आपको उससे बस ये निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो वो आपने निकाला 6 से 7.5 हुआ, यानी इंक्रीजमेंट पढ़ाया आपको, तो यहां से 25% इंक्रीज हुआ है आपने निकाल लिया, यानी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया रहा होगा, बाद में 125 हो गया, अगर वस्तु का मूल्य 100 से 125 हुआ है तो खपत 125 से 100, क्योंकि अनुपात उलट जाता है, ये मैंने आपको बताया है, तो यहां से ये हो गया बस। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, यहां से सिंपल तरीका है, समझ में आ रही है। इसी को आप एक और तरीके से कर सकते हैं भाई, देखो 25% दिख रहा है, 25% का इंक्रीजमेंट, 1/4 का मतलब भाई पहले 4 था बाद में 5 हो गया, अब उल्टा चलना है तो ट्रिक उल्टी लगा देनी है, यहां से 5 से 4 जाना है, बताओ कितने की कमी कर रहे हो, कमी कितने की कर रहे हो 5 से 4 जाने में, तो 1 की, किस से, 5 से, गुणे में 100, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, आपका आ जाएगा 20%,
बहुत सारे लोग ये वाला भी तरीका समझते होंगे कि 20% की कमी इस तरह से भी आ जाएगी, शानदार सी ट्रिक भी होती है इसको लगाने का। बात समझ में आ रही ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई, ये तो हो गया। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल ये भी है। देखो भाई क्या लिखा है, यदि चावल के भाव में 20% की कमी होती है तो जितने धन में 20 केजी चावल खरीदा जाता था अब उतने धन में कितना चावल खरीदा जाएगा। वाह भाई, धन समान है, यानी सवाल पढ़ के यही ना कॉन्सेप्ट लगा आपका, यही दिमाग काम करेगा कि सर धन तो समान हो गया। यानी कि प्राइस की बात करें, 20% की इंक्रीजमेंट, यानी 100% पहले रहा होगा तो अब हो गया 80%। अगर ये एक बात बताओ मुझे, यहां से देखो, प्राइस अगर आपका 100 रहा होगा तो अब 80, क्योंकि 20% की इंक्रीज हुआ है, तो बताओ जरा कंजम्पशन में क्या हो जाएगा अनुपात, 80:100, यानी कंजम्पशन को काट दें 20 से तो 4:5, है ना भाई, यही कंजम्पशन है। अब आपसे पूछ रहा है कि जितने धन में पहले 20 केजी चावल खरीदते थे, यानी पहले आपकी खपत 20 केजी थी पहले, अब इसमें बताओ पहले कौन सा है, तो यही तो पहले वाला पहले ही लिखा है ना, 100 रुपया पहले था बाद में 80 हुआ है, ये बाद वाला है, यानी ये वाला पहले का है और ये वाला बाद का है, यानी पहले आपकी खपत 20 केजी की थी। वैसे पहले की खपत, ये जो खपत दिख रही है यहां पे कंजम्पशन, ये जो पहले की खपत है भाई, इसकी कितना है, तो ये 4:1 में है, 4:1 मतलब 20 केजी। अच्छा बताओ 4:1 मतलब 20 केजी, यानी कई गुना हुआ, तो आप कहोगे सर 5 गुना हुआ, 4:1 20 केजी मतलब 5 गुना हुआ। तो अब बताओ अगर ये 5 गुना है तो ये भी तो 5 गुना होगा, यानी ये 5 गुना तो 25 केजी, यानी बाद में जो आपकी खपत होगी, बाद में जो आपकी खपत होगी वो 25 केजी। अब कितने धन में, यही तो पूछा है आपसे, तो अब कितने चावल खरीदे जाएंगे, तो अब 25 केजी चावल खरीदे जाएंगे। समझ में आया? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, देखो फिर से बता रहा हूं। देखो भाई क्या कह रहा है, यदि चावल के भाव में 20% की कमी होती है तो जितने धन में पहले 20 केजी चावल खरीदते थे अब उतने ही धन में कितने केजी चावल खरीदोगे, यही ना पूछा है। यानी कि धन आपका समान है, यानी खर्च आपका समान है, खर्च समान है, यही कॉन्सेप्ट इसमें से निकालना है। बस खर्च इस सवाल को पढ़ने के बाद बस यही दिमाग में तुम्हें लाना है कि खर्च आपका समान है। चलो खर्च समान हो गया तो तुम्हें पता है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बात समझ में आई? तो भाई देखो, प्राइस मान लो पहले 100 रुपया रहा होगा, भाव में 20% कमी हुई, बाद में 80 हो गया। मैंने कहा था अगर प्राइस का अनुपात 100 और 80 है तो खपत का अनुपात 80 और 100 हो जाएगा, पलट जाएगा। कब? जब खर्च उतना ही रहे तब। यानी कि 80 और 100, 20 से काट दिया 4 बार, 100 को 20 से काट दिया 5 बार, यानी इन दोनों को हमने 20 से काटा है तो 4:5 आ गया। क्या आ गया भाई? 4:5। अब यहां से देखो, पहले आपकी खपत दिया है 20 केजी, पहले आपकी खपत का अनुपात है 4, यानी ये 4:20 है, यानी 4 जो है 5 गुना है। तो बाद में जो 5:5 है तो 5 भी तो 5 गुना होगा, यानी ये 25 केजी। बस यही तो है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका कहां गया भाई, क्या हो गया? अरे यहां से देखो, चलो यहां से थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। क्या लिखा है इस सवाल को पढ़ो भाई, चीनी वाला सवाल है, इस तरह के ना जाने कितने सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझ लो इसको। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक आदमी 540 रुपया में, एक आदमी 540 रुपया में, देखो भाई चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक आदमी 540 रुपया में पहले से 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो ज्ञात करना है क्या? चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का परिवर्तित मूल्य, चीनी का प्रारंभिक खपत, चीनी की परिवर्तित खपत। 4 तरह की बातें एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, 4 तरह की बातें इस तरह के सवाल में पूछता है और एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है। चलो देखते हैं कैसे क्या पूछता है, समझो। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाने से एक आदमी 540 रुपए में पहले से 10 केजी अधिक खरीद पाता है। पहले देखो प्राइस की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूं। देखो ये पहले वाला प्राइस है, यानी इसको डायरेक्ट इसी भाषा में लिखते हैं जिस भाषा में यहां लिखा है, यानी ये आपका प्रारंभिक है और ये आपका परिवर्तित है। एकदम रेशियो के मेथड से आग लगा देंगे सवाल में। देखो भाई रेशियो के मेथड से
आग लगाने वाले हैं हम सवाल में, बस आप ध्यान से समझते रहो, मजा आ जाएगा आपको। अभी बता रहा हूं कैसे करना है। देखो भाई, प्राइस बताओ प्रारंभिक, मान लो 100 रुपया रहा होगा, तो परिवर्तित 10% की कमी, 10% की कमी यानी कितना हो जाएगा 90। अब बताओ प्राइस यहां से इनको काट दो, 0 से 0 कट गया, यानी 10:9 आपका प्राइस कितना आ गया, 10:9 ये आपका प्राइस आ गया। अच्छा बताओ 540 रुपया में पहले से 10 केजी चीनी यदि खरीदा, नहीं 540 रुपया तो समान है ना भाई, 540 रुपया तो समान हो गया, यानी पहले भी 540 रुपया खरीदना था, अब भी 540 रुपया में खरीदना है। पहले 540 रुपया में आपको 10 केजी, जो कि अब जो कि आपको 540 रुपया में 10 केजी चीनी कम मिलती, यानी कि आपका पैसा समान हो गया, 540 रुपया समान हो गया दोनों कंडीशन में, पहले भी और बाद में भी, यानी खर्च आपका समान हो गया, यानी खर्च यहां से आप कह सकते हैं कि समान है, समान है, और वो है कितना तो 540 रुपया है, खर्च आपका समान है यानी कि 540 रुपया है। अब बताओ कंजम्पशन यानी कि खपत का अनुपात क्या होगा, जरा बताओ, ये आपका मूल्य है ना भाई, ये आपका मूल्य है, ये आपका खपत है, बताओ खपत का अनुपात क्या होगा। अगर इसका अनुपात 10:9 है तो इसका अनुपात 9:10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये आपको पता है, यानी कि पहले आपकी खपत 9 थी, अब आपकी खपत 10 है। अच्छा ये बताओ कि पहले आपकी खपत 9 थी कि 9 के अनुपात में थी, ये अनुपातिक मान है, और अब आपकी खपत 10 के अनुपात में है, यानी आपकी खपत कितना बड़ी है, 9 से 10 जाने में कितना इंक्रीज हुआ है, एक। और यहां लिखा है कि 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है, यानी पहले वो 9, सपोज करिए कि पहले वो 9 केजी चीनी खरीदता था, तो अब वो कितना खरीद रहा है, 10 केजी चीनी खरीद रहा है, यानी पहले से कितना केजी अधिक खरीद रहा है, 1 केजी, और सवाल में लिखा है कि 1 केजी नहीं 10 केजी अधिक खरीदता है, यानी यही जो हमारा 1 है ये 10 केजी के बराबर है ना, जो 1 अधिक खरीदता है, पहले 9 खरीदता था अब 10 खरीदता है, यानी 1 अधिक खरीदता है, पहले से 9 से 10 माने 1 अधिक खरीदता है, 1 अधिक नहीं वो 10 केजी अधिक खरीदता है, यानी उसी 1 का अनुपात 1 का अनुपातिक मान 10 के बराबर है, यानी कि 9 यहां से आप चाहें तो अपना प्रारंभिक खपत निकाल सकते हैं, प्रारंभिक खपत। अच्छा बताओ 1 का अनुपात अगर 10 केजी है तो 9 का अनुपात 90, यानी कि प्रारंभिक खपत आ गया आपका 90 केजी, यानी पहले आप 90 केजी चीनी खाते थे, ठीक है भाई। अब यहां से देखो ये आपका परिवर्तित खपत, यहां से आप परिवर्तित खपत निकाल सकते हैं, परिवर्तित खपत कितना हो जाएगा भाई, 1 का अनुपात 10 तो 10 का अनुपात 100 केजी, यानी अब आप 100 केजी चीनी खाते हैं, ये दो मान आपके निकल गए, प्रारंभिक खपत निकल गया, परिवर्तित खपत निकल गया, ये दो बातें आपने यहां से निकाली भाई। इस तरह के सवाल एसएससी के एग्जाम में आते हैं, तो जिनको पढ़ना है एसएससी के एग्जाम वाले वो ध्यान से देखें, और ये आया हुआ सवाल है लास्ट के ईयर में, हर बार इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एकदम वन लाइनर है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अभी तो सिर्फ सिखा रहा हूं तो आपको टफ लग रहा होगा, परेशान मत हो, ठीक है भाई। ये आपका परिवर्तित खपत आ गया, ये आपका प्रारंभिक खपत आ गया, समझ में आ गई भाई बात। अब बताओ तुम 540 रुपया खर्च यहां पे लिखा हुआ है, 90 केजी खाते हो, यानी कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, यहां पे देखो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, तुम देखो भाई 540 रुपया में 90 केजी चीनी खाते हो, 540 रुपया में 90 केजी चीनी खाते हो, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ, प्रारंभिक मूल्य माने 1 केजी का दाम, 540 रुपया में 90 केजी, तो 1 केजी का दाम 540/90 यानी कितना हो गया, 9×54 6 रुपया प्रति केजी, तुम्हारा प्रारंभिक मूल्य आ गया 6 रुपया प्रति केजी, यानी ये भी तुम्हारा निकल गया 6 रुपया प्रति केजी। वैसे ही यहां से परिवर्तित मूल्य भी निकल सकता है, यहां से परिवर्तित मूल्य भी निकल सकता है, बताओ तुम 540 रुपया में 100 केजी चीनी खाते हो, तो परिवर्तित मूल्य कितना आ जाएगा, 5.4 रुपया प्रति केजी, ये तुम्हारा परिवर्तित मूल्य भी निकल गया। ये चारों चीजें एक लाइन में निकाला है आपने, फिर से बता देता हूं पूरा सवाल एकदम वन लाइन में, देखो ध्यान से, देखो भाई यहां से सीखो, कितना लिखा है सवाल में, 10% ना प्राइस, यानी कि 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट प्राइस का अनुपात लिखते हैं, प्राइस पहले 10 थी, कम हुई है तो प्राइस आपकी 9 हो जाएगी,
कैसे, यहां से देखो प्राइस को हमने चेंज किया 10% की कमी, तो 10% मतलब 1/10, प्राइस आपकी पहले 10 थी, ये कमी दिखा रहा है यानी कि प्राइस हमारी एक कम हो जाएगी, तो 10:9 कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो 9:10। अच्छा बताओ पहले 9 केजी अब 10 केजी, कितना अधिक, 1:1 एक नहीं, ये जो है एक ना हो करके, ये आपका एक नहीं हो करके 10 केजी है, सवाल में लिखा है, यहां पे सवाल में लिखा है। देखो भाई ये लाइन समझना जरूरी है आपके लिए, यहीं से तो पूरा सवाल बन रहा है। क्या है, तुम्हारा प्राइस पहले 10 और 9 था, 540 रुपया तुम्हारा खर्च समान है, यानी कि तुम्हारा कंजम्पशन का अनुपात 9:10 हो जाएगा, यानी पहले 9 अब 10, यानी कितना तुम्हारा बढ़ा है, एक बढ़ा है, कितना बढ़ा है, एक ना बढ़ करके 10 बढ़ा है, यानी यहां से तुम चाहो तो ये आपका प्रारंभिक है और ये आपका परिवर्तित है, यानी ये आपका इनिशियल है, ये आपका चेंज है। अब यहां से देखो 9 ना होकर के 9×10 यानी कि 90 केजी क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत तुमने निकाल लिया, ये रहा तुम्हारा प्रारंभिक खपत 90 केजी। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है इन चारों में से, इन चारों चीज में से सवाल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हम चारों निकालना आपको सिखा रहे हैं। यहां से देखो अब यहां से हम 10 का अनुपात निकालेंगे, तो 10 का अनुपात यानी कि 10×10 कितना आ गया भाई, 100 केजी। अच्छा ये क्या आया, तो ये आपका आया परिवर्तित खपत, क्या आया भाई, परिवर्तित खपत, ये आपका परिवर्तित खपत आ गया 100 केजी। अब आपको दाम निकालना है, 540 रुपया में तुम 90 केजी खरीदते हो पहले, तो 500 प्रारंभिक मूल्य, यहां से बता दो प्रारंभिक मूल्य 540/90, तुम 90 केजी खाते हो तो 540/90 यानी कितना आ गया, 6 रुपया प्रति केजी, ये तुम्हारा क्या आ गया, प्रारंभिक मूल्य आ गया। बात समझ में आई, यहां पे परिवर्तित मूल्य भी निकाल सकते हो, परिवर्तित मूल्य कितना आएगा भाई, देखो 540 रुपया में 100 केजी खाते हो तो 540/100 यानी कितना आ गया, 5.4 रुपया प्रति केजी के हिसाब से तुम खाते हो। बात समझ में आई, तो ये चारों चीजें आपने निकाला एक रेशियो बना के, सिर्फ यही एक रेशियो बना के, ये यूनिक तरीका है, इस तरीके से कभी भी आपका सवाल भी गलत नहीं होगा और चारों में से कोई भी बात। अच्छा बताओ कितनी लाइन तुमने सॉल्व किया है, 1 लाइन 2 लाइन बस, उसके बाद सिर्फ रेशियो लगाना है। बात समझ में, ये सारी चीजें मैंने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझ जाओगे रेशियो लगाने के बाद। समझ में आ रहा है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई, सब समझ, जिसको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या दिक्कत है तुम्हें। अब जब कमेंट सेक्शन, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आटे के दाम में 10% की गिरावट आ जाने से 270 रुपए में 5 केजी आटा अधिक खरीदता है, आटे का पहले का दाम, सवाल वैसे ही आटे का पहले का दाम यानी कि प्रारंभिक दाम, ठीक है। देखो कैसे बता रहा हूं भाई, समझो प्राइस जो है आपका 10%, यहां से समझो प्राइस जो है 10% कम, 10% का मतलब 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10 यानी कि पहले 10 था कम हुआ है यानी बाद में 9 हो गया, कंजम्पशन 9/10 हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया आप सभी को। अब यहां समझो, यहां से देखो क्या कह रहा है, प्रारंभिक पहले का दाम पूछा है, पहले का दाम पूछा है यानी प्रारंभिक वाला पूछा है, तो हम बाकी क्यों निकाले, पहले तो बताओ यहां से ये कितना इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है यानी आप 5 केजी आटा अधिक खरीद रहे हो, 1:5 है, ठीक है भाई, 1:5 है, 9 से 1 गया 10 तो 1:5 आ गया। अब आपको पहले का निकालना, तो सब कुछ पहले का निकालो, बताओ पहले कितना हो जाएगा, 9×45 यानी कि पहले आप 45 केजी, ये आपकी खपत आ गई है, प्रारंभिक खपत आपकी आ गई 45 केजी। अब यहीं से आप मूल्य भी निकाल सकते हो, प्रारंभिक मूल्य देखो, प्रारंभिक मूल्य ये भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, 270/45 केजी खाते हो, 45×6 यानी 6 रुपया प्रति केजी, ये आपका दाम आ गया, ये आपकी प्रारंभिक मूल्य आ गई। सवाल एकदम आसान सा लगा सकते हैं आप इस तरह से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या लिखा है। वैसे ही एक सवाल और भी आया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने से 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक माने देख लो, पहले तो देखो ये 20% की वृद्धि है, इस बार ध्यान रखना
20% की क्या है, वृद्धि है, यानी 1/5 होता है 20% का मान। अब यहां से देखो, प्राइस आपका पहले 5 था, बताओ इसका आंसर तो आप कमेंट भी कर रहे होंगे अब तक, है ना भाई, इसका आंसर तो आपको अब तक कमेंट कर देना चाहिए कितना आ रहा है। पहले 5 था, ये वृद्धि दिखा रहा है, यानी अब आपका 6 हो गया। अगर प्राइस 5:6 है तो कंजम्पशन 6:5, ठीक उल्टा उसी का, ठीक है भाई। अब प्रारंभिक पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मतलब सब कुछ प्रारंभिक में बताना है। अच्छा बताओ, पहले आप 6 kg खाते थे, अब आप 5 kg खाते हो, यानी कितना कम खाते हो, तो एक ना खा करके सवाल में लिखा है 4 kg कम खाते हो, यानी कि 1:4 है, तो 6 प्रारंभिक यही ना है, तो 6:24 ये आपकी खपत आ गई 24 kg। यहां से आप मूल्य बता सकते हैं, पहले वाला 24 कितने में, तो 120 रुपया में, 120 रुपया सवाल में लिखा है, तो 120/24 के हिसाब से 120 रुपया में 24 kg खाना है 120 रुपया में, यानी कि दाम आपका हुआ 5 रुपया प्रति kg, यही आपसे पूछा था, और ये आपका आंसर आ गया बहुत जल्दी से, एकदम टाइम नहीं लगता रेशियो वाले मेथड से। बाकी फॉर्मूलेज भी होते हैं इसके लगाने के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और भी कई तरीके होते हैं, जैसे इसी सवाल को एक फॉर्मूला आता है उससे भी लगा सकते हैं आप। सिंपल तरीका देखो, प्रति केजी आपको दाम निकालना है, आप डायरेक्टली ये वाला नियम लगा दीजिए, देखिए a/n गुणे में x/100 ±x, ये एक ट्रिक भी होती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। a माने जितना रुपया है 120, है ना भाई, 120 रुपया में। n माने कितना केजी कम या ज्यादा, तो 4 kg। x माने कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, तो 20% की वृद्धि, बस यही वाला लगाना है, ये प्रारंभिक मूल्य निकल के आएगा इससे। इससे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, a/a का तो मान आपको पता चल गया ना, a मतलब 120, बटे में n का मतलब 4, गुड़े में x का मतलब 20%, और ये 120, ये 120 से 120 कट गया, 100 में x जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे ना, क्योंकि वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, 120 से कट गया, इसने काट दिया 5 बार में, 5 kg आ गया, 5 रुपया प्रति kg। लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भाई रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, क्लास को फिर से देखोगे एक बार तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उस तरह के सवालों की, ठीक है ना भाई, आप प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस के लिए काम कर सकते हैं, आप मैथ्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं, हर तरह के सवाल लेके आता हूं आपके लिए। देखिए टेलीग्राम वाला जो ग्रुप मैं आपको बता देता हूं, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई, आप इसको ज्वाइन करो, यहां पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए और भी सवाल, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे, ठीक है भाई, इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे डिस्कशन ग्रुप में, तुम अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो डायरेक्ट हमसे, ठीक है भाई, और यहां पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप इस तरह के और भी सवालों की प्रैक्टिस और हर तरह की PDF आपको वहां पे मिलती रहेगी। बात समझ में आ रही है, तो मैं होप करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है जितने लोग को भाई जम के लाइक कर देना और शेयर कर देना, हर जगह फैला देना, अच्छी क्लास है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, समझ की क्लास है, हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के काम करो, और जितने लोग भी देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और हर जगह रायता फैला दो, एकदम हर जगह फैला दो Study 91 मैथ्स बाय शुभम सिंह। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, Study 91 डाल करके, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मैं आपको वीडियो के शुरू से लास्ट तक बताया हूं, बात समझ में ना। चलिए तो मिलते रहेंगे, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।